हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए, हनी अपनी दीदी के साथ अभी खेल रही है। आज मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं घर का सेटिंग की हूँ, कमरे की साफ सफाई किए हैं क्योंकि देवर की शादी आने वाली है। तो ये देखिए मेरी जहाँ यहाँ पर ज्वेलरी सब रखा हुआ है, बैंगल्स वगैरह सब, देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे मेरी ज्वेलरी सब रखी, मैं क्लियरली आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितनी सुंदर लग रही है ना। देखिए आज सुबह से हम यही कर रहे थे और हनी को संभालने के लिए मेरी एक स्टूडेंट आई हुई थी, और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी थी क्योंकि कुछ ना कुछ था यहाँ पे, तो इस सब सामान को हटा कर हम सेटिंग किए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी, और ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी का पिक्स है कुछ, और फोटो है, और मेरी जो ज्वेलरी है, इयररिंग्स है, सेट है, ये सब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सजा के रखी हूँ। और कपड़े का अलमारी भी मेरा पूरी तरह से सेटिंग किया हुआ है। हाँ, कपड़े का जो अलमारी है वो भी ठीक से मेरा समेटा हुआ है, बस कुछ कपड़े अभी धोने हैं, उसके बाद फिर उनको भी रखना है। तो ये देखिए, अलमारी वगैरह सब मैं सेटिंग कर चुकी हूँ, और गॉडरेज भी मेरा सेटिंग हो चुका है कपड़ों का। और यहाँ पे देखिए हनु यहाँ पे खेल रही है। देखिए हनी को दस्त जो था वो तो ठीक हुआ, पर हनी को अभी सर्दी है, इसको कुछ ना कुछ लगा रहता है। और इधर आइए दिखाते हैं हम आपको, आज मेरे हस्बैंड भी बहुत हेल्प किए हैं मेरे साथ, इन्होंने ये जो अलमारी वगैरह है वो सबको सेटिंग किए हैं। देखिए, इन्होंने इस कमरे की साफ सफाई यही किए हैं। देखिए सब ठीक से, किताब वगैरह सब बिखरा पड़ा था, तो ये सब कुछ इन्होंने सेटिंग किया है। अब मैं दिखाती हूँ, और यहाँ भी बहुत कुछ है। वैसे मैं राशन रखा रहता, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब राशन लाने वाले हैं ये संडे को, क्योंकि आज उनको टाइम नहीं मिला है। तो ये चूहे मारने का जो होता है ना, चूहे रात, कुछ दिन पहले हमारे घर में चूहे हो गए थे, तो चूहे को इसमें रोटी डालकर और चूहे फंसाने के लिए है ये, फिर उसको चूहे को हम बाहर छोड़ कर आते हैं। रासू बाहर लाइट जली रहा सुना, बस फ्रिज का साफ करना रह गया है। और देखिए आज कमरा बहुत ठीक लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक सरप्राइज दे रही हूँ, मैं बता दूं कि हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, वो मेरी देवरानी आने वाली है, मेरे देवर की शादी है, तो उसके लिए गिफ्ट लाने के लिए, और गिफ्ट देवरानी का गिफ्ट है वो तो कुछ महंगा होना ही चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि लहंगा उसके लिए बेटर रहेगा, उसके मुंह दिखाई में हम लहंगा देंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि लहंगा मेरे देवरानी के लिए कैसा लगेगा। हम सोच रहे हैं कि उसको एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा गिफ्ट करेंगे मुंह दिखाई में, ये मेरा ही शौक है। मैं हनी के पापा को बोली थी कि हम ये देंगे, उन्होंने कहा था नहीं गोल्ड की ज्वेलरी देना है, तो मैंने कहा नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी से बेटर है लहंगा, कोई भी ओकेशन में पहनेगी। तो पेंट तो नहीं कर पाए हम घर का, क्योंकि हनी भी छोटी है, उतना काम कौन करेगा, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो इसीलिए हम पेंट नहीं किए। पेंट बाद में दुर्गा पूजा में कर लेंगे। और ये हनी के पापा यहाँ बात कर रहे हैं दीदी से, हनी के बुआ से बात कर रहे हैं। ले 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 संभाल की कर दी क्या। और बाहर अंधेरा हो चुका है, अब आपको टाइम बता, अभी मैं नहाकर हटी हूँ, घर का कितना काम था। हनी के पापा भी जस्ट थोड़ी देर पहले नहाकर फिर वो लेट के बात कर रहे हैं। देखिए टाइम, देखिए मैं हर वीडियो में आपको मैं टाइमिंग बताती रहती हूँ, मैं अपना देखिए टाइमिंग बता रही हूँ। देखिए 6:15 हो रहा है, और घर में बहुत ही कचरा था। और मेरी बेटी का एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसमें वो अपना क्राफ्ट ड्राइंग सब रखती है, आज वो अपना कचरा घर साफ किया, हम उसको कचरा घर बोलते हैं। ये देखिए इसको सजा कर रखी है, देखिए ये बहुत साफ सुथरा, ये राशि का जितने भी खिलौने रहते हैं वो सब यहीं पर रहते हैं, टैडी वगैरह, ये देखिए ड्राइंग वगैरह सब, उसके क्राफ्ट के कितने सामान रहते हैं सब यहीं पर रखा हुआ है। देखिए कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, अंधेरा है उधर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने उसको कहा था बेटा तुम ये साफ करो, तो वो ये सब साफ सफाई की अपने काउंटर,
और बस फ्रेंड आज के लिए मैं इतना ही बताती हूँ। बस मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ मैं अपने गॉडरेज में कि मैं ये देखिए देवर की शादी होने वाली है तो उसके लिए ये टोपुर जो हम बंगाली में टोपुर पहनते हैं तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको खोलेंगे नहीं, ये देखिए टोपुर है और इसमें एक छोटा सा भी है मुकुट, वो मेरे देवरानी को देवरानी के लिए है और ये मेरे देवर के लिए है। इसको हम खोलेंगे नहीं बिकॉज देखिए आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए शादी का बहुत सारा सामान का खरीदारी हुआ है, अब देवरानी के लिए गिफ्ट खरीदेंगे हम। और मैं अपना अलमारी यहाँ पे देखिए मैं सजा करके यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह है और राशि का अवार्ड जो मिला था सरस्वती पूजा में फर्स्ट प्राइज में ये रहा, वो भी हम अलमारी के अंदर ही संभाल कर रखें क्योंकि शोकेस में रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। और मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि जब राशि बहुत छोटी थी UKG में तब वो ड्राइंग में फर्स्ट प्राइज लाई थी, तो ये रहा स्कूल का नाम लिखा हुआ है साउथ पॉइंट अकेडमी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए विनिंग रैंक फर्स्ट। और हनी को अभी उसकी दीदी ली हुई है तो मैंने कहा कि चलो वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पे हनी के पापा के कितने सारे सामान रहते हैं और बाकी मैं गॉडरेज भी आपको दिखा देती हूँ, मुझे शेयर करना हर एक चीज अच्छा लगता है। ये रहा देखिए यहाँ पे गॉडरेज में मैंने सारा सामान यहाँ पे सेटिंग करके रखा हुआ है तो अच्छा लग रहा है ना। देखिए मेरा चूड़ा, मुझे चूड़ा पहनना बहुत ही पसंद है तो मैं अपने चूड़ा यहाँ पे रखी हूँ। वैसे मेरे पास 4-5 सेट चूड़ा का है तो कुछ तो पुराने अलमारी में गॉडरेज में रखा हुआ है। तो ये देखिए वो दूसरे रूम में है, ये देखिए चूड़ा, मैं अपने चूड़ा से बहुत ही प्यार करती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कोई भी शादी हो या पार्टी हो मैं चूड़ा जरूर पहनती हूँ। वैसे हम बंगालियों में चूड़ा पहनते नहीं है बट मैं पहनती हूँ। देखिए मेरा कमरा कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए आज मैंने घर की पूरी तरह सफाई की है। और राशि की एक फ्रेंड थी जो मेरी स्टूडेंट, वो तो बहुत ही हेल्प की हनी को पकड़ने के लिए। और बस फ्रेंड अब के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप भी कमेंट में बताइएगा कि मुझे मेरे देवरानी को मुझे क्या देना चाहिए तो मैं उसको मुंह दिखाई पे हम वही देंगे। और वैसे तो मेरा शौक है लहंगा देना उसको मुंह दिखाई पे। और वीडियो सारा छोड़ेंगे हम YouTube में सब वीडियो डालेंगे शादी के, तो बस आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड हम मैं बहुत मेहनत करती हूँ घर के काम प्लस मेरे घर में जो होता है खाना बनाने से लेके जो भी होता है मुझे शेयर करना अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ हर एक पल शेयर करती हूँ जितना भी हो सकता है मुझसे मैं करती हूँ। ये देखिए राशि दीदी हो बेटा ढाका दो ये बेटा हाँ ग अभी जा रहे हैं खाना बनाएंगे। तो आज थर्सडे था तो मुझे आज खिचड़ी बनाना पड़ा, वैसे खिचड़ी सैटरडे को हम खाते हैं। तो काम करेंगे या फिर खिचड़ी खाएंगे, सॉरी काम करेंगे या फिर खाना बनाएंगे, तो इसलिए हनी के पापा फटाफट खिचड़ी बना दिए थे तो हम दोपहर को खिचड़ी खाए थे तो अभी जा रहे हैं फटाफट खाना खुना कुछ बनाएंगे। वैसे क्या है सब्जी में मुझे भी नहीं पता है, इनसे पूछेंगे फिर ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड बाय, अब मैं रखती हूँ, ये अभी भी बात कर रहे हैं दीदी से। ओके फ्रेंड बाय, बड़ा बम्मा चाहिए। देखिए दीदी के साथ खेल रही हैं। ये अपनी दीदी को बहुत पहचानती है बहुत ज्यादा। ओके बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा टाटा है ना। और ये शादी का घर जाए उसके बाद राशि ड्राइंग भी दिखाएंगे आपको, बहुत सुंदर सुंदर उसको ड्राइंग आता है। तो बेटा ड्राइंग का वीडियो कब छोड़ोगे आप, चाचू की शादी के बाद? ठीक है बाय।